17 सितंबर को देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की जिले भर में मनाई गई जयंती। आंवलाझरी स्थित विश्वकर्मा मंदिर में हुई विशेष पूजा। लालगोरा तहसील के मीरे गांव के ग्रामीणों ने 20 सितंबर से प्राथमिक स्कूल खुलने के पूर्व जताई चिंता, बताई परेशानी। मेरे गांव के ग्रामीणों ने दी जानकारी, पुराना प्राथमिक स्कूल हो चुका है जर्जर, नए स्कूल भवन का नहीं हुआ निर्माण कार्य, निर्माण कार्य में हो रही अनियमितता पर उचित कार्रवाई की मांग की। भरवेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत 9 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म के आरोपी शैल कुमार सोनी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया जेल। वारासुनी न्यायालय में मारपीट के एक मामले में 13 लोगों को सुनाई गई एक एक वर्ष की सजा। रामपाली थाना के अंतर्गत बगेरा गांव में 2015 को हुई थी घटना, एक व्यक्ति की 13 लोगों ने की थी मारपीट। गणेश प्रतिमा के विसर्जन को लेकर अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम ने जारी किया आदेश, मूर्ति निर्माण से लेकर विसर्जन के लिए जारी की गई गाइडलाइन। मौसम विभाग भोपाल ने जताई संभावना, 18 से 21 सितंबर तक जिले में होगी हल्की बारिश, 22 सितंबर को हो सकती जिले में भारी बारिश। वारासिवनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल ने वर्तमान विधायक और खनिज निगम के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल को कार्यक्रम में बुलाए जाने पर जताया विरोध। पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल ने नगर पालिका के अधिकारी और राजस्व विभाग के अधिकारियों पर जताया आक्रोश, लगाई फटकार। पूर्व विधायक योगेंद्र निर्मल के द्वारा विधायक प्रदीप जायसवाल को कार्यक्रम में बुलाए जाने के दौरान दो टूक शब्दों में कहा कि जहां भी वे जाएंगे वहां हम नहीं जाएंगे। तिरोड़ी निवासी एक युवती ने अपनी मां पर लगाया वेश्यावृत्ति करने का दबाव बनाए जाने का आरोप, पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया मां पर मामला। शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए नगरपालिका के द्वारा खाली प्लाटों का शुरू किया गया सर्वे, पहले दिन 10 प्लाट मालिकों को वैधानिक कार्रवाई के लिए भेजा गया नोटिस। लालगोरा तहसील मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर गणेशपुर में 40 वर्षीय कृषक रेवाराम पटले की कुएं में डूबने से हुई मौत। वैनगंगा नदी के छोटे पुल के नीचे नदी में डूबे 13 वर्षीय बालक विनय के घटना के 36 घंटे बाद भी नहीं चल पाया पता, एसडीआरएफ और होमगार्ड के द्वारा शनिवार को भी चलाया जाएगा सर्च ऑपरेशन। नगर पालिका के द्वारा गुरुवार की तरह शुक्रवार को भी शहर के भीतर गंदगी फैलाने वालों के विरुद्ध की गई कार्रवाई, 20 लोगों से वसूला गया 2,500 रुपए का जुर्माना। शहर के कमला नेहरू महाविद्यालय में आयोजित किया गया नई शिक्षा नीति को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम, कोविड-19 के बाद खुले महाविद्यालय में बेहतर पढ़ाई के लिए बनाई गई नई योजना। सत्रह सितंबर को एक ओर जहां देश भर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर बालाघाट जिला मुख्यालय में एनएसयूआई और कांग्रेस के पदाधिकारियों के द्वारा पकौड़ा तलकर और चाय बेचकर मनाया गया बेरोजगारी दिवस। जिले के अग्रणी शिक्षण संस्थान जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय में आई कार्ड के नाम पर छात्रों से लिए गए 20 रुपए, छात्रों ने लगाया छोटा आई कार्ड होने का आरोप, प्रबंधन ने दी अपनी दलील। अल्प प्रवास पर लालवरा पहुंचे कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा, तहसील कार्यालय का किया निरीक्षण, इस दौरान अधिवक्ता संघ ने लंबित कार्यों को लेकर सौंपा ज्ञापन।